आज हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल के सरकम सर्कल का डेफिनेशन बच्चों सर्कम सर्कल किसी ट्रायंगल को सरकम स्क्राइब करने वाले सर्कल को कहते हैं मतलब एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होके जाए तो लेट्स एक ट्रायंगल जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का है मैंने बेस एंगल सिक्सटी डिग्री रखा है और एक ट्रायंगल के सर्कम सर्कल को बनाने के लिए मुझे उस ट्रांगल के सर्कम सेंटर तक पहुंचना पड़ेगा मतलब सरकम सर्कल के सेंटर तक सर्कम सर्कल का सेंटर होता है ट्रायंगल के साइड्स का पोपेंडिकुलर बाइसे्टर तो मैं क्या करता हूँ ट्रायंगल के बेस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ मैंने बेस साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया और आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस ब्लू डॉट पॉइंट को मैं मिड पॉइंट ऑफ द बेस साइड कह सकता हूँ अब मैं इसको ऐसे ही ट्रैंगल के दूसरे साइड को भी बाइसेक करता हूँ सिमिलरली ट्रैंगल के तीसरे साइड को भी मैंने बाइसेक कर दिया ये तीनों पॉइंट्स ब्लू डॉट से दिखाए जा रहे हैं अब मैं इन तीनों पॉइंट्स पे एक पोपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा और वो पोपेंडिकुलर्स होंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेकटर्स तो ट्राइंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेकटर्स चलिए पहला पोपेंडिकुलर बाई बनाते हैं ये है पहला पोपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब मैं दूसरा पोपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ और ये है दूसरा ट्रै पोपेंडिकुलर बाई सेक्टर ट्रेंगल के तीसरा पोपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वहीं से जाएगा तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट थियरम आता है हम कहते हैं कि ट्राइंगल के पोपेंडिकुलर बाइसेकटर्स कॉन्करेंट होते हैं कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से जाना ट्राइंगल के तीनों पोपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स होंगे और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दोज थ्री पोपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स इज द सर्कम सेंटर तो सरकम सेंटर की परिभाषा हुई मीटिंग पॉइंट ऑफ पोपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ऑफ अ ट्रंगल इज़ सर्कम सेंटर तो अब मुझे अपने सर्कल का सेंटर मिल गया है तो मैं सर्कल का रेडियस लेता हूँ रेडियस क्योंकि सर्कल को तीनों वटिस से जाना है तो मैंने रेडियस ले लिया और इस रेडियस का एक सर्कल अब मैं बना रहा हूँ और इस तरीके से हमने पूरे सरकम सर्कल को ड्रॉ किया तो बच्चों आपने देखा कि किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल के पोपेंडिकुलर बाईसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है ट्रायंगल के सर्कम सर्कल को ट्रेंगल के सर्कम सर्कल के रेडियस को हम सर्कम रेडियस भी कहते हैं मतलब इस सर्कल के रेडियस को हम सर्कम रेडियस कहते हैं और कैपिटल आर से इसको सिंबलाइज किया जाता है तो ट्रैंगल के इस सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से सिंबलाइज करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ से देख लें अगर अपना सर्कम सर्कल कुछ इस तरीके से बने कि ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल ही हो तो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस होगा मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही होगा इस इमेज में मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है और हम देख सकते हैं कि हमारे सर्कल का सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस है तो बच्चों आपने सरकम सर्कल की परिभाषा सीखी होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी अगले वीडियो में हम ट्रायंगल के कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को सीखेंगे हैप्पी हाँ, लर्निंग